ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। बाप भाई ही बेटी बहन की आबरू पर हाथ डाल रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि रिश्तों में ये वहशीपन हमारी संस्कृति और समाज पर प्रहार है। आइए देखते हैं समाज सेविका नूतन ठाकुर का इस सब पर क्या कुछ कहना है। ऐसे वाक्य कम होते हैं, दिखते हैं, जहाँ पे पिता और भाई दोनों इस तरह से इन्वॉल्व हो, और वही बाप अपनी बेटी का उत्पीड़न कर रहा हो, भाई बहन का कर रहा हो। अभी तक कई बार ये होता था कि नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनसे तो ये कहा जाता था कि बच्चियों को कि संभल के रहे, कई बार वो उत्पीड़न कर डालते थे। लेकिन ये तो बड़ा ऐसा वाक्य है जिसके बारे में आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। और अगर घर में इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तो बच्चियाँ सुरक्षित कहाँ रहेंगी। ये जन्म देने वाली माँ भी अगर उसमें शामिल हो तो ये और भी शर्मनाक बात हो जाती। और ये एक इस चीज को भी दर्शाता है कि जो घटना है उसको अगर पूरी समग्रता में देखें तो ये औरत की बेबसी को भी दिखाता है कि अगर माँ भी है तो अपने पति और बेटे के आगे हो सकता है मजबूर हो गई हो, बदनामी का डर हो, जो अपनी बच्ची के साथ अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो उनके बारे में क्या बात करना। और ऐसे मामले में तो जितने सख्त से सख्त सजा लड़की के पिता और भाई को दी जाए वो कम है। अगर जो अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकता तो पता नहीं बाहर और क्या करते हो। वाकई जितनी सख्त सजा इन लोगों को दी जाए वो कम होगी। बहरहाल ये मामले साफ बयां करते हैं कि आज पारिवारिक रिश्तों में भी हवस ने दस्तक दे दी है। कल तक घर के बाहर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, पर अब वो घर की चार दीवारी में भी महफूज नहीं है। NCRB के आंकड़ों ने इस बात को पुख्ता कर दिया है, जिसके मुताबिक महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में जान पहचान के लोग ज्यादा शामिल रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं NCRB की रिपोर्ट पर। देश में महिलाओं की अस्मत को तार तार करने में कोई गैर नहीं, बल्कि उनके सगे संबंधी और जान पहचान के लोग ही आगे हैं। ये चौंकाने वाला तथ्य राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों में सामने आया है। ये आंकड़े समाज को आगाह करते हुए बताते हैं कि 2012 में बलात्कार के करीब 98% पंजीबद्ध मामलों में आरोपी पीड़ित महिलाओं के परिचित थे। NCRB की सालाना रिपोर्ट भारत में अपराध 2012 के मुताबिक देश में 2012 के दौरान भारतीय दंड विधान यानी IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार के कुल 24,923 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 24,470 मामलों के आरोपी पीड़ित महिलाओं के परिचित थे, यानी हर 100 मामले में से 98 में महिलाओं को उनके जानने वालों ने ही हवस का शिकार बनाया। आरोपियों में पीड़ित महिलाओं के परिजन, रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल हैं। आपको बता दें कि 2012 के दौरान मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3,425 मामले दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में पीड़ित महिला किसी न किसी तरह आरोपी को जानती थी। राजस्थान में 2013 मामलों में महिलाएं अपनी जान पहचान के लोगों के दुष्कृत्य का शिकार हुई। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो यहां 1,953 मामलों में महिलाओं की आबरू उनके परिचितों ने ही लूट ली। यकीनन NCRB के ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। स्पेशल रिपोर्ट, साधना न्यूज। आखिर क्यों रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है? क्यों बाप और भाई ही ऐसी मानसिकता से घिर गए हैं कि वो वासना के आगे बेटी बहन को भी नहीं बख्श रहे? कहीं ये कोई मानसिक बीमारी तो नहीं? आइए देखते हैं मनोचिकित्सक SC तिवारी का इस सब पर क्या कुछ कहना है। एक लड़की ने अपने पिता और अपने भाई पर लगाया है बलात्कार का आरोप, लेकिन क्या ये सामाजिक कुरीति है या फिर एक मानसिक बीमारी? इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर SC तिवारी जी, जो शहर के मशहूर मनोचिकित्सक हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये, क्या बीमारी है ये। बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है। ब्लड रिलेशंस में जब इस तरह का सेक्सुअल बिहेवियर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेस्ट। इंसेस्ट जिसमें डॉटर के साथ फादर या ब्रदर, जहाँ ब्लड रिलेशंस होता है उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। पर इस प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल रेयर है, बहुत अनकॉमन है। या ये भी हो सकता है कि समाज में ज़्यादा सरफेस नहीं होते हैं।
अभी इंसेस्ट जो है ये मेंटल डिसऑर्डर्स में या एक प्रकार की बीमारी में क्लासिफाइड नहीं है, बट दिस इज़ नोन टू मैनकाइंड, सबको मालूम इसके बारे में कि इस तरह का सेक्सुअल बिहेवियर होता है जिसको इंसेस्ट बोलते हैं। अगर किसी प्रकार से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल परवर्जन डिसऑर्डर्स। इस कैटेगरी में ये बिहेवियर आ सकता है। हमारे यहाँ बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनिया, डिजायर इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें पता कौन है पीछे कौन है, किसी के ऊपर वो सेक्सुअली एडवांस कर सकते हैं। दूसरा, हमारे वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी कॉमन बीमारी डिमेंशिया। डिमेंशिया की बीमारी में ऐसा होता है कि उनमें एक तरह का एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर होता है, और इरिस्पेक्टिव आपकी उनकी वाइफ है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है, कोई पड़ोस का है, किसी के ऊपर वो सेक्सुअल अटैक कर देते हैं, दे इंटेलिजेंट सेक्सुअल डिजायर। एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है, जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाती है, जहाँ की बीमारी का रूप ले लेती है। एकाध और दिमाग की बीमारियाँ हैं जहाँ पर कि सेक्सुअल बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें दिमाग का सेल्स जो है न्यूरॉन्स डीजनरेट करते हैं और सेक्सुअल बिहेवियर बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको सेक्सुअल डिजायर होने लगती है। कुछ लेडीज़ में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं निम्फोमैनिया, उनमें ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है, एंड दे कीप ऑन हैविंग वेरी फ्रीक्वेंट सेक्स, प्रेस द पर्संस अराउंड देम टू हैव सेक्स। इस तरह की बीमारियां देखी गई हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस फैमिली में भी किसी न किसी को या सबको कोई न कोई बीमारी ही जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। पूरी फैमिली को एक बीमारी हो जिसकी वजह से जो पिता और भाई हैं वो इतने समय लंबे समय तक लड़की का रेप करते रहे और जो माँ है वो चुपचाप सब कुछ देखती रही, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक दबाव या मानसिक बीमारी का रूप भी हो सकता है। कैमरामैन सौरभ के साथ अनामिका सिंह, साधना न्यूज़, लखनऊ। जी हाँ, तो अपनी बेटी के ही दुश्मन बन गए हैं, अपनी बहन के ही दुश्मन बन गए हैं आज के समय में बाप और भाई। कहा भी जाता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जब भाई और बाप जो हैं वो ही बहन को नोच नोच खाएंगे। भाई बाप ही अपनी बेटी बहन को नहीं बख्श रहे हैं, उसकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। रिश्तों में मर्यादाओं का उल्लंघन शायद कभी नहीं हुआ हो, जो अब हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो कहना गलत नहीं होगा कि पारिवारिक मूल्यों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कौन पिता की इज्जत करेगा, कौन रक्षा का धागा भाई की कलाई पर बांधेगा, जब यही अस्मत के लुटेरे बन घर की इज्जत पर धावा बोलेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। कितनी